नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों ये है 5 KV का जनरेटर। दोस्तों ये जनरेटर हमारे यहाँ रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। दोस्तों जनरेटर काफ़ी सालों से रखा हुआ है तो इसके लाइनर पिस्टन में जंग लग गया होगा, तो हम इसको सबसे पहले इसके हेड को खोल के देखेंगे कि लाइनर कितना कटा है और चलने लायक है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं केसरी सोनालिका कंपनी का ये जनरेटर है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके डीजल पाइप को खोलेंगे। और उसके बाद इस टंकी को भी हम खोल के हटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ हम जल्दी से टंकी को खोल लेते हैं। तो ऐसे टंकी ब्रैकेट को निकालने के बाद टंकी को निकाल लेंगे। और यहाँ इस नाजिल पाइप को खोलेंगे। तो दोस्तों ऐसे हम जल्दी से इसके हेड को खोल लेते हैं। तो ये इसका टैपिट कवर है, इसे भी निकाल लेंगे। और ये पुश रॉड है। तो यहाँ हम जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं। अब इसके नाजिल को खोल लेते हैं। नाजिल को 13 नंबर टूल से खोल लेंगे। और ऐसे नाजिल को निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम हेड के चारों नट को खोलेंगे। तो इस नट को हम 26 नंबर टूल से खोल लेते हैं। तो यहाँ हमने चारों नट को खोल लिया है। इसके वाटर पंप को भी निकाल देंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसका हेड भी ठीक नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके लाइनर में काफ़ी जंग लगा हुआ है और इसका लाइनर भी कटा हुआ है। इसका लाइनर भी कटा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसके लाइनर पिस्टन को बाहर निकालेंगे। पिस्टन को बाहर निकालने के बाद हम इसके क्रैंक को चेक करेंगे। तो यहाँ हम जल्दी से लाइनर पिस्टन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पिस्टन में जो रिंग है ये भी जाम हो गया है। पिस्टन के रिंग जाम हो गए हैं। दोस्तों जनरेटर काफ़ी सालों से रखा हुआ था तो इसमें भाप बन के पानी बन जाता है। इसके लाइनर में जंग लग गया है और पिस्टन में भी जंग लग गया है, जिसके वजह से रिंग जाम हो गए हैं। अब जल्दी से हम कनेक्टिंग रॉड को भी खोल के निकाल लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्रैंक चलने लायक है कि नहीं। तो यहाँ ऐसे कनेक्टिंग रॉड को खोलेंगे। यहाँ ऐसे 18 नंबर टूल से कनेक्टिंग रॉड के नट को खोल लेंगे। तो यहाँ ऐसे जल्दी से खोल लेना है। दोस्तों ये इसका वेयरिंग है, ये अभी स्टैंडर्ड साइज में है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये स्टैंडर्ड साइज है। अब दोस्तों हम इसके क्रैंक को चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ इसका क्रैंक सही नहीं है, इसके क्रैंक पे लाइनिंग बन गया है। लाइनिंग बनने की वजह से ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अब हम इसके पूरे क्रैंक को बाहर निकालेंगे और पूरे इंजन को ओवरहाल करेंगे। तो आप वीडियो बने रहिए, मैं आपको पूरा क्रैंक निकाल के दिखाऊंगा कैसे क्रैंक निकलता है।
यहाँ ऐसे टाइमिंग कवर को खोल लेंगे। और दोस्तों यहाँ साइड में एक बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को खोलने से हमारा कैम बाहर निकल जाएगा। इस बोल्ट को हम खोल लिए हैं और इन दोनों गाइड को ऊपर करेंगे। दोनों गाइड को ऊपर करने के बाद कैम ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब इसके क्रेंक गियर को भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें पूरे क्रेंक को बाहर निकालना है, क्रेंक को हमें टर्न करवाना है। तो यहाँ ऐसे क्रेंक गियर निकल गया है। दोस्तों अब हम इसके बैलेंस को खोलेंगे, इस बैलेंस को 21 नंबर टूल से खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम ऐसे दोनों बैलेंस को खोल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैलेंस है। अब दोस्तों हम इंजन को नीचे उतारेंगे। तो यहाँ हमने सभी बोल्ट को खोल लिया है और इसके इंजन ऑयल को भी निकाल लिया है। तो ऐसे हम इंजन को नीचे उतार लेंगे। अब इसके हम ऑयल पंप स्टैंड को खोलेंगे। तो यहाँ चार बोल्ट लगे हुए हैं, चारों बोल्ट को खोल देंगे। इसमें हमारा ऑयल पंप लगा होता है। अब दोस्तों फ्लाईव्हील प्लेट को खोल देंगे और फ्लाईव्हील प्लेट को ऐसे निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे इसका क्रिंग निकलता है। क्रिंग निकालने के लिए एक घाट बना होता है, उसी में से क्रिंग को निकालेंगे। तो यहाँ ऐसे हमारा ये क्रिंग बाहर निकल गया। दोस्तों अब इस फ्लाईव्हील को हमें निकलवाना होगा। अब इस फ्लाईव्हील को हम खराद मशीन पर ले जाएंगे और वहाँ प्रेस मशीन से इस फ्लाईव्हील को निकलवाएंगे। तो यहाँ हम इस बैरिंग को भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे ये बैरिंग निकल जाएगा। ये इसका ऑयल पंप है। अब इसके हेड के वाल को भी हम निकाल लेते हैं। इसके हेड को भी हम अच्छे से बनवाएंगे। दोस्तों यहाँ हमने पूरा इंजन खोल दिया है। दोस्तों अब मैं आपको पार्ट टू में इंजन के फिटिंग का वीडियो दिखाऊंगा, तो आप पार्ट टू को ज़रूर वॉच करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने लाइनर को ऐसे निकाल लिया है। तो ये हमारा लाइनर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, हमने पूरे इंजन को खोल लिया है। अब इसको हम अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद इसको फिट करेंगे। दोस्तों यहाँ हमने प्रेस मशीन से क्रेंक को भी निकलवा लिया है। दोस्तों इस क्रेंक को हम टर्न करवाएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके फिटिंग का वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।